स्टूडेंट, आज हम लोग राउल्ट्स लॉ समझने जा रहे हैं। तो राउल्ट्स लॉ समझने के लिए दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये क्या है? तो एक सिस्टम है, इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड। एक दूसरा कंटेनर है, इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है? एक लिक्विड। अगर मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर कोई कंपोनेंट वन है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कंपोनेंट। ये कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट टू है, किस कंडीशन में है? प्योर कंडीशन में। और इस वाले कंपोनेंट की कौन सी कंडीशन है? प्योर कंडीशन। अगर जब ये कंपोनेंट वन प्योर कंडीशन में है तो इसकी वजह से जो वेपर जनरेट हो रहा है ये कितना है? पी वन नॉट। और कंपोनेंट टू की वजह से जो वेपर जनरेट हो रहा है, वेपर प्रेशर, वो कितना हो रहा है? पी टू नॉट। तो पहले ये बात समझिए, कंपोनेंट वन की वजह से प्योर कंडीशन में जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे हम पी वन नॉट बोल रहे हैं, और कंपोनेंट टू की वजह से जो वेपर प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे पी टू नॉट बोल रहे हैं। अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट को मिला दूं और इससे एक सॉल्यूशन फॉर्म कर दिया, तो इसके अंदर कंपोनेंट वन एंड कंपोनेंट टू दोनों प्रेजेंट रहेंगे, और दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो इसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे पीटी। क्या बोलेंगे? पीटी, या फिर टोटल प्रेशर। ठीक है, तो इस टोटल प्रेशर को समझने के लिए हमको एक लॉ पे ध्यान रखना पड़ेगा। उस लॉ को हम क्या बोलेंगे? राउल्ट्स लॉ। क्या बोलेंगे इस लॉ को? राउल्ट्स लॉ। तो चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है देखिए, राउल्ट्स लॉ ने कहा कि फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। अब देखिए, वोलेटाइल सॉल्यूशन मतलब क्या है? वह सॉल्यूशन जो वेपर बना सकता है उसे हम बोलते हैं वोलेटाइल सॉल्यूशन। द ईच कंपोनेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट इन इट्स सॉल्यूशन। इस डेफिनेशन में तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। इसको अगर हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दो कंपोनेंट हैं, तो ध्यान रखिए पहला कंपोनेंट वन की बात कर रहे हैं, फॉर कंपोनेंट वन। इसके लिए क्या है? पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। और कंपोनेंट टू की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट टू। अब अगर सोचिए मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहूं तो यहां पर क्या लाना पड़ेगा? जब मैंने इस लेक्चर की शुरुआत की थी तो वहां मैंने समझाया था P1 not and P2 not. P1 not क्या था? प्योर कंडीशन पे कंपोनेंट वन का प्रेशर था, और P2 not क्या था? प्योर कंडीशन पर जो कंपोनेंट टू का प्रेशर। तो हम इसके जवाब क्या ले सकते हैं? P1 is equal to P1 not into X1, और P2 के लिए क्या ले सकते हैं? P2 is equal to P2 not into X2। ध्यान रखेंगे P1 not और P2 not क्या है? प्योर कंडीशन। अब हमको क्या समझना पड़ेगा? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ ने क्या कहा था कि जो टोटल प्रेशर है पीटी, वो क्या होगा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ कंपोनेंट। तो पीटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी वन प्लस पी टू। अब पी वन क्या हो सकता है, आप सब समझिए। पी वन हम लिख सकते हैं पी वन नॉट एक्स वन प्लस पी टू नॉट एक्स टू,
ये समझ रहे हैं आप कि किसके बराबर है, पी टी के। अब अगर देखिए हमने लेक्चर जो अपने हमने और शुरुआत में जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टू इज इक्वल टू कितना होता है वन। अगर हम यहां से x1 की वैल्यू निकालना चाहें तो हमको क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू वन माइनस x2। ये बात आप समझ लीजिए, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस x2। अब हम इस x1 की वैल्यू इसकी जगह पर पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, p1 नॉट वन माइनस x2 प्लस p2 नॉट इंटू x2। अब मैं इस p1 नॉट को इसमें इंटू कर दे रहा हूं, हमको क्या मिल जाएगा pt, pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p1 नॉट माइनस p1 नॉट x2 प्लस p2 नॉट x2। अब इस माइनस वाले टर्म को पीछे ले जाते हैं, प्लस वाले को आगे ले आ रहे हैं, तो pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p1 नॉट प्लस p2 नॉट x2 माइनस p1 नॉट x2। अब देखिए इस कंपोनेंट में भी x2 है, इस कंपोनेंट में भी x2 है, हम क्या कर सकते हैं यहां पर x2 को कॉमन कर सकते हैं, तो p2 इज इक्वल टू pt इज इक्वल टू p1 नॉट प्लस p2 नॉट माइनस p1 नॉट इंटू x2। ये है आपका राउल्स लॉ का डेफिनेशन विद डेरिवेशन, ये pt इज इक्वल टू क्या आ गया p1 नॉट प्लस p2 नॉट माइनस p1 नॉट इंटू x1। तो कहने का मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या निकलेगा, जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसी एक कंपोनेंट के ऊपर निर्भर करेगा। और एक बात आएगी निकल के कंक्लूजन में, वो जब हम इसको ग्राफ पे समझेंगे तब समझ में आएगा। चलिए उस ग्राफ को समझते हैं, दूसरे का कंपोनेंट कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इधर कितना है x1 जीरो है और इधर x2 कितना है वन, ठीक है। तो यहां x2 जो है ये यहां पे इंक्रीज हो रहा है और इस वाली कंडीशन पे जब x2 वन हो गया इसका मतलब दूसरा कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है, उसकी वजह से जो प्रेशर आएगा कितना आएगा p2 नॉट प्योर कंडीशन का प्रेशर। अब यहां पर x1 मत है तो इसलिए क्या होगा, इस वाले ग्राफ का जो आएगा प्रेजेंटेशन जो इस तरीके से, और इस वक्त x2 जीरो है सिर्फ x1 प्रेजेंट है जिसके लिए क्या आ जाएगा p1 नॉट। अगर मैं इन दोनों ग्राफ को मिला दूं तो हमको क्या मिल जाएगा pt मिल जाता है और ये pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p1 प्लस p2। इस ग्राफ में क्या कहा गया कि जो कंपोनेंट टू था हमको जो डेरिवेशन किया था उसमें p1 नॉट प्लस p2 माइनस p1 नॉट इनटू x2 था, वो मोल फ्रैक्शन किसका था कंपोनेंट टू का, वो किसके लीनियरली मल्टीप्लाई हो रहा है चेंज हो रहा है किसके लीनियर, तो वो कंपोनेंट टू बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टू के लीनियर। ये समझ होगी बात किसकी, राउल्स लॉ की। अब अगर हमने राउल्स लॉ पढ़ लिया हमको एक और पॉइंट समझना पड़ेगा, वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आप सबने दुनिया में सुना होगा कि एक हमारे कोई आइडियल होता है, हर किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है, तो समझते हैं थोड़ा सा आइडियल सॉल्यूशन क्या। अच्छा जिस जैसे मैं कहूं कि आपके कोई आइडियल होंगे तो आप क्या करते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो ऐसा ही आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन दैट फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर कंसंट्रेशन रेंज, जो इंटायर कंसंट्रेशन रेंज पर इंटायर कंसंट्रेशन रेंज पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम क्या बोल देंगे, आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर आइडियल कोई चीज है तो कोई क्या होगा, नॉन आइडियल भी होगा, क्या होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
अगर आइडियल ने राउल्ट्स लॉ को एंटायर कंसंट्रेशन रेंज तक फॉलो किया है, तो नॉन आइडियल ने क्या किया होगा? उसको एंटायर कंसंट्रेशन रेंज तक राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसे हम क्या बोल देंगे? नॉन आइडियल केस। बताऊंगा तो आइडियल क्या हो गया? जो राउल्ट्स लॉ को किसी भी कंसंट्रेशन रेंज तक फॉलो करेगा, और नॉन आइडियल जो है राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। देखिए, हमने सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्वेंट रहेगा, और क्या रहेगा? सॉल्यूट रहेगा। इन सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाकर हमको क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन जस्ट इक्वल होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमको आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहला कंपोनेंट क्या था? पहली बात ये थी कि कंसंट्रेशन एंटायर कंसंट्रेशन रेंज तक क्या होगा? राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। दूसरा, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। इसमें क्या होगा? इसमें दूसरा बात है, उसमें क्या होगा? ये जो AA बोले तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, सॉल्यूट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन, और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी। अगर इन सभी मॉलिक्यूल कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है अगर इक्वल है, तो इसमें डेल्टा वी मिक्सिंग जो होगी वो क्या होगी? इज इक्वल टू जीरो होगी। मतलब हमने कोई कंपोनेंट मिलाया, जो कंपोनेंट मिलाया, तो उनका जो वॉल्यूम था वो जस्ट इक्वल हो जाएगा। जैसे एक कंपोनेंट है 1 लीटर का, दूसरा भी 1 लीटर का, इन दोनों हमने ऐड कर दिया, तो टोटल कितना मिल जाएगा? 2 लीटर आप सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसमें कुछ भी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी। अगर हम नॉन आइडियल की बात करते हैं इसमें, तो ये डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो क्या होगा? नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा। अर्थात कुछ न कुछ उसमें चेंजेस मिल सकते हैं, या तो पॉजिटिव में या तो नेगेटिव। अब आखिरी बात है इसकी कि डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। मिक्सिंग कितनी आएगी इसमें? जीरो आएगी। और नॉन आइडियल में कितनी आएगी? डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इज इक्वल टू जीरो। नॉन आइडियल में क्या आएगी? डेल्टा एच मिक्सिंग या फिर एंथैल्पी का चेंज मिक्सिंग के बाद क्या आएगा? जीरो नहीं होगा। इसमें क्या होगा? जीरो होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन का, और दूसरा है निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का और निगेटिव डेविएशन का थोड़ा समझ लेते हैं। पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा? जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से अपर साइड में शिफ्ट होगा, उसके लिए हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और जिनका वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से डाउन साइड में चला जाएगा, उसे हम बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव डेविएशन उनके बीच में शो होगा जिनमें इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल कम होगा, अर्थात सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम होंगे। जबकि निगेटिव डेविएशन में क्या होगा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, धन्यवाद।